अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्तों में पड़ चुकी है दरार। बच्चन परिवार का घर छोड़ मायके चली गई हैं ऐश्वर्या। क्या बच्चन परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर छिड़ी है कलह? ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी में प्रॉब्लम्स की बातें आजकल खूब सुनने को मिल रही हैं। कपल के बीच दरार की बातें हो रही हैं और इन सब खबरों के बीच बच्चन परिवार ने चुप्पी साध रखी है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ऐश्वर्या और अभिषेक के तलाक की संभावना के कारण ही अमिताभ बच्चन ने अपना जुहू वाला प्रतीक्षा बंगला बेटी के नाम कर दिया। हालांकि ये तमाम बातें अटकल ही मानी जा रही हैं, लेकिन ये भी दावे किए जा रहे हैं कि अभिषेक ऐश्वर्या की शादी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये कपल पिछले 3 महीने से साथ नजर नहीं आया। हम इस वीडियो में आपको 8 कारण दिखाएंगे जिससे अभिषेक ऐश्वर्या की शादी में दरार की बातें सामने आई। हिट नंबर 1। बुधवार की रात मुंबई में रखी गई सैम बहादुर की स्क्रीनिंग और वहां अभिषेक बच्चन तो पहुंचे, लेकिन वाइफ ऐश्वर्या नहीं दिखी। इस इवेंट में अभिषेक अपने भांजे अगस्त्या नंदा के साथ पहुंचे थे। अभिषेक बच्चन के साथ एक बार फिर ऐश्वर्या को ना देखकर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इनका तलाक कन्फर्म लग रहा है। हिंट नंबर 2। पिछले 3 महीने से ऐश्वर्या और अभिषेक साथ दिखे ही नहीं। दोनों ने एक साथ कोई भी इवेंट अटेंड ही नहीं किया। मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में ऐश्वर्या अकेले आई थी। इससे पहले नीता अंबानी के गणपति उत्सव में भी वो बेटी के साथ अकेले पहुंची थी। अंबानी परिवार के NMACC इवेंट में भी ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ अकेले पहुंची थी। हिंट नंबर 3। 16 नवंबर को आराध्या का बर्थडे मनाया गया, लेकिन अभिषेक बच्चन बेटी के साथ नहीं दिखे। आराध्या के बर्थडे पर अभिषेक और ऐश्वर्या के अलावा किसी ने भी बर्थडे विश नहीं किया। वहीं आराध्या के दादा अमिताभ बच्चन ने भी विश नहीं किया। यूं तो अमिताभ अपनी पोती से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने आराध्या को उनके खास दिन पर शुभकामनाएं नहीं दी। कहा जा रहा है कि बिग बी ने ऐश्वर्या राय की वजह से आराध्या को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुभकामनाएं देने से परहेज किया। हिंट नंबर 4। आराध्या से पहले 1 नवंबर को ऐश्वर्या ने अपना 50वां जन्मदिन मनाया था। तब उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में अभिषेक बच्चन नजर नहीं आए थे। ऐश्वर्या ने बेटी और माँ के साथ अपना जन्मदिन मनाया था। वहीं अभिषेक ने बहुत ही अनमने ढंग से बीवी को बर्थडे विश किया था। ऐश्वर्या की एक पुरानी तस्वीर शेयर कर उन्होंने हैप्पी बर्थडे लिखा था। ऐश्वर्या के बर्थडे पर अभिषेक बच्चन ने जिस तरह से दूरी बढ़ाई, उससे साफ हो गया कि दोनों के रिश्ते ठीक नहीं है। हिंट नंबर 5। आमतौर पर लोग परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए दूर दूर से आते हैं, लेकिन ऐश्वर्या ने दिवाली के दिन उल्टा ही कर दिया। दिवाली वाले दिन वो जलसा में नहीं थी, बल्कि मुंबई से बाहर चली गई। अभिषेक की बीवी दिवाली के दिन बेटी को लेकर मुंबई से बाहर चली गई थी। ऐसे में लोगों ने अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते में आई दरार पर तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले पेरिस फैशन वीक पहुंची थी ऐश्वर्या, और उस दौरान नव्या ने वहां पर रैंप वॉक किया था। नव्या को सपोर्ट करने के लिए उनकी मां श्वेता बच्चन और नानी जया बच्चन मौजूद थीं। दोनों शो में आगे बैठकर नव्या को चीयर करते हुए नजर आए, लेकिन वहां पर ऐश्वर्या और आराध्या ने जया, श्वेता और नव्या ने दूरी बनाकर रखी। हिंट नंबर 7। अभिषेक बच्चन के बर्थडे पर ऐश्वर्या ने आराध्या के साथ फोटो शेयर कर जन्मदिन की बधाई दी थी। इस तस्वीर में पहले जया, नव्या और अगस्त्या भी थे, लेकिन ऐश्वर्या ने उनको क्रॉप कर फोटो शेयर की थी। ऐश्वर्या की इस हरकत से भी बच्चन फैमिली में दरार की बातें शुरू हो गईं। हिंट नंबर 8। बता दें, हाल ही में ऐश्वर्या राय ने अपने इंस्टाग्राम पर दिवंगत पिता कृष्णराज राय को याद कर उनकी कुछ तस्वीरें शेयर की थी। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस की बेटी आराध्या बच्चन भी नजर आई थी, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि इसमें अभिषेक बच्चन नहीं दिखे, जिसके कारण दोनों के बीच एक बार फिर से मतभेद की खबरें आने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।